न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर वन हो जाए। जिन चैनलों पर ऐसा करने के आरोप लगे हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। टीआरपी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और आज भी उठते हैं। एक दिन पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरपी की बात की थी और हमारा फोकस इसी पर है। सरकार पर सवाल उठने लगे तो मंत्री जी ने टीआरपी पर दोष डाल दिया कि पिछले दो सप्ताह का या दो महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। प्रकाश जावड़ेकर को दो महीने के कवरेज का तो याद रहा, लेकिन थोड़ा सा ही पहले का याद कर लेते तो रफाल आ गया। राम मंदिर शिलान्यास या तबलीगी जमात का कवरेज भी सामने आ जाता। प्रकाश जावड़ेकर तबलीगी जमात के कवरेज का उदाहरण ला सकते थे, जिसके बारे में कई हाईकोर्ट के फैसले में जो टिप्पणियां की गई हैं वही बता देते। 21 अगस्त 2020 को जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तबलीग के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। हमारे पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची और इस काम में तबलीग से जुड़े कई देशों के लोग मोहरा बन चुके हैं। क्या तबलीगी मरकज का कवरेज भी टीआरपी के अनावश्यक बोझ के तहत हुआ या फिर किसी का आवश्यक दबाव था? इस कवरेज से जिन्हें राजनीतिक फायदा हो रहा था वो वही भाषा क्यों बोल रहे थे जो इन चैनलों के एंकरों की भाषा थी? ये पूरी की पूरी जो जमात है वो न केवल षड्यंत्रकारी है अपितु निकम्मी भी है। एक तरह से कोरोना वायरस को खाद डाल के पूरे हिंदुस्तान में संक्रमण को बढ़ाने का काम किया है। आज ही यानी 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी मामले को लेकर न्यूज चैनलों के कवरेज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही थी। क्या आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा तो केंद्र सरकार ने जूनियर अधिकारी से हलफनामा दायर करवा दिया। जूनियर अधिकारी से। इस बात को लेकर चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप इस अदालत के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हलफनामे में कुछ टीवी चैनलों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जो नफरत फैला रहे हैं, यह बेहद जरूरी बात है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खराब रिपोर्टिंग के कोई उदाहरण नहीं दिखाए। आप याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग की कोई मिसाल नहीं है? कोरोना वाली फैक्ट्री यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना साद किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है तो तबलीगी नहीं तालिबानी जमात वाले मौलाना साद, तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना, तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद, तबलीगी नहीं तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं। पूरे देश में इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी एक कार्यक्रम करने वाला था। कार्यक्रम के प्रोमो में बताया गया कि यूपीएससी के नतीजे में कोई जिहाद हो गया है, जामिया के छात्र ज्यादा सफल हो गए। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। आज मैं हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहा हूं जिस पर देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और देश के पूरे तंत्र का ध्यान है। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत यह है कि एक विशेष समूह सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहा है, यह कितना कपटी है। इस तरह के कपटी आरोप यूपीएससी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यूपीएससी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? लादेन और बगदादी को फिर जिंदा न होने देंगे,
राणा शिवा का गौरव ऐसे ही खोने न देंगे, भारत के नौकरशाही में जिहाद नहीं चलने देंगे, अपने ही देश के आस्तीन में नाग नहीं पलने देंगे। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद के बाकी एपिसोड पर रोक लगा दी। यूपीएससी जिहाद के नाम से सुदर्शन टीवी ने 9 कार्यक्रम बनाए थे, 4 का प्रसारण हो चुका था और 5 पर रोक लगा दी गई है। मुसलमान को मुसलमान मैं ना कहूं और आप कहें, आप क्या कहते हैं? ये देखिए हैदराबाद का गद्दार ये नमक हराम क्या कहता है, ये आप देखिए कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के प्रति आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है और अब आपके सारे फैसले उस जहर के संदर्भ में होने लगे हैं। समाज में जो बच्चे हैं वो सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है बल्कि किसी की राजनीति के लिए अति आवश्यक बोझ है जिसे गोदी मीडिया खुशी खुशी उठाए फिर रहा है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ।